WCC3 के हॉट इवेंट्स का मैच और मेंस T20 टूर्नामेंट 2021 की सीरीज। और ये वाला जो मैच है ये रहने वाला है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया की टीम चूज करके खेलेंगे हम इस मैच को। मीडियम डिफिकल्टी मोड पर ये मैच हम खेलने वाले हैं और शुरुआत करते हैं अब इस मैच की। और बहुत ही मज़ेदार ये मैच रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच दुबई के स्टेडियम में और हरे भरे पिच कंडीशन में ये मैच हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल हेड्स हमने चूज़ कर लिया है टॉस में और हम चाहेंगे कि हम टॉस जीतें और बॉलिंग करें। यहाँ पर फिलहाल टॉस हम हार चुके हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, टॉस जीत कर हम बॉलिंग चूज़ करते। और यहाँ पर जो न्यूजीलैंड की टीम है उनके कैप्टन ने टॉस जीत कर किया है बैटिंग का फैसला, तो फील्डिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है। पाकिस्तान की टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स आ चुके हैं और हम देखना चाहेंगे कि ये ओपनर्स कैसा प्रदर्शन करते हैं। स्ट्राइकर एंड पर तो जो मौजूद है और स्ट्राइकर एंड पर, हाँ स्ट्राइकर कभी कभी स्ट्राइकर एंड जैसा निकल जाता है पर ठीक है, स्ट्राइकर एंड पर जो मौजूद है वो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन हैं। और अब ये कैप्टन कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जैसा कि हमारा फॉर्मेट रहता है कि हम ओपोनेंट टीम की बैटिंग इनिंग्स ऑटो प्ले कर देते हैं, तो वो हमने ऑटो प्ले कर दिया है। और किसी भी बैट्समैन ने कोई अच्छी इनिंग्स, मतलब अच्छी बैटिंग नहीं की, अच्छी इनिंग्स नहीं है खेली है और 135 रन्स पर 8 विकेट खो दिए। और एक स्पिनर है जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं और काफ़ी कमाल का एक स्पेल डाला है। यहाँ पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से दोनों बैट्समैन आ चुके हैं और ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से जो दो ओपनर्स हम रखते हैं यहाँ भी हमने वो ही रखे हैं, राइट हैंड बैट्समैन जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और स्ट्राइकर एंड पर हमने रखा है एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। और फिलहाल जो पहला ओवर डालने के लिए आए हैं वो पाकिस्तान की टीम के बेस्ट बॉलर हैं, तो अब ये बेस्ट बॉलर कितनी बेस्ट बॉलिंग करेंगे वो हम देखना चाहेंगे और थोड़ी बेस्ट बैटिंग करने की तो हम भी कोशिश करेंगे। वैसे एक चीज़ और है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विकेट्स हमें ज़्यादा नहीं खोने। यहाँ पर फिलहाल पहली बॉल है और टाइमिंग परफेक्ट है और गैप में खेला ये शॉट, और इस शॉट के साथ एक चौका मिलेगा और चौके के साथ यहाँ पर खाता खुल चुका है। और दूसरी बॉल थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की है बॉलर ने, पर बिल्कुल यहाँ पर बॉल की लाइन में आए और ऑफ साइड की तरफ आकर इसको बिल्कुल ऑन साइड की तरफ खेला है। यहाँ पर लॉफ्टेड ये शॉट खेला और गुड टाइमिंग के साथ खेला और एक चौके के साथ समाप्ति की है इन्होंने इस ओवर की। और 14 रन का ये काफ़ी बड़ा ओवर रहा, पहले दो हमने बैक टू बैक दो चौके लगाए, फिर उसके बाद कुछ डॉट बॉल्स रहीं, फिर उसके बाद आखिरी बॉल पर हमने एक कमाल का चौका लगाया, एक लॉफ्टेड शॉट खेला गली के फील्डर के ऊपर से। यहाँ पर फिलहाल अब एक ओवर खेलने के बाद समय हो चुका है एक 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, तो खैर फिलहाल यहाँ पर 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करते हैं और देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब 5 ओवर्स का ऑटो प्ले हमने कर दिया है और 61 रन्स बना दिए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक विकेट खोकर, और वो एक विकेट उनका गया है जो कि पहले ओवर में बिल्कुल मतलब धूम मचा रहे थे और काफ़ी धमाकेदार शॉट खेले थे उन्होंने। पर यहाँ पर अब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि उनका विकेट जा चुका है और फिलहाल जो मौजूद हैं स्ट्राइकर एंड पर वो काफ़ी तेज़ी के साथ खेलते हैं। यहाँ पर फिलहाल परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला है और छक्का लगाया है और स्टैंड्स में डिलीवर किया इस बॉल को, और काफ़ी कमाल का ये शॉट था। 3 बॉल हो चुकी हैं इस ओवर की और एक डबल भी आ चुका है, तो 8 रन का ये ओवर रहा और इस बॉल को हमने बिल्कुल लीव किया क्योंकि इस बॉल को खेलने को तो वैसे हम डबल भी ले सकते थे, पर हमने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिलहाल ये बिल्कुल स्टम्प्स पर ख़त्म होती हुई ये बॉल थी, तो इसको हमने डबल ही लिया। और यहाँ पर इस ओवर के साथ 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, इस ओवर के साथ नहीं, इस बॉल के साथ इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट नहीं, पर ओहो हो इस ओवर की जो चौथी बॉल थी उसे हमने लीव किया था, पर अब हम क्या बात करें क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल रहे थे, 2 छक्के इन्होंने लगाए थे और बहुत तेज़ी के साथ ये रन्स बना रहे थे, पर ठीक है कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और अभी जो आए हैं बैटिंग करने के लिए वो एक कमाल के बैट्समैन हैं, बहुत ही बड़े बैट्समैन हैं,
और काफ़ी अच्छे खासे रन्स वो बनाए हैं। और अगर हम कुछ दो या तीन मैचेस पहले की बात करें तो हमारे इस गेम में ही एक मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, एक बहुत ही कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली थी। फिलहाल यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि एक विकेट हमारा जा चुका है और अब समय हो चुका है एक 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का। और वैसे वो विकेट जाना तो नहीं चाहिए था, पर जैसा कि आपने देखा कि चौथी बॉल थी जो कि दूर थी और उसे हमने लीव किया, और यहाँ पर भी हमने यही सोचा कि लीव करते हैं इस बॉल को, पर उस बॉल को हम लीव करने गए और वो पढ़ करके इतना ज़्यादा अंदर की तरफ आई, और जैसे ही वो बॉल पड़ी और वो बाहर की तरफ नहीं गई ना, तभी हमारे मुंह से वो ओहो निकला। और उसके बाद तो खैर विकेट ही चला गया और उसके बाद तो एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री वाला सीन हो गया। पर ठीक है, कोई बात नहीं, 30 ही रन चाहिए हमें जीत के लिए और 48 बॉल्स में चाहिए, तो लगातार बैक टू बैक दो चौके तो आपने देखे। और इन दो चौकों के साथ यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि नो बॉल हो चुकी है ये और फ्री हिट मिली है हमें, पर उस फ्री हिट का फ़ायदा हम कितना उठा पाते हैं वो देखना होगा। यहाँ पर पीछे की तरफ एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग गुड है और ओहो ये बहुत ही कमाल की फील्डिंग है, और इस फील्डिंग के चलते वहाँ पर चौका बचाया सीधे सीधे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल चौका बचाने का कोई चांस नहीं है क्योंकि गुड टाइमिंग के साथ खेला है ये परफेक्ट शॉट, और अब सिर्फ 19 रन चाहिए जीत के लिए और 51 रन से एक अर्धशतक पूरा हो चुका है इस बैट्समैन का। 159.32 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खेले हैं, पर विकेट जा चुका है बिनका, और 13 रन चाहिए थे अब जीत के लिए, पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये 13 रन बनाने के लिए ये तो जाहिर सी बात है कि हम हारने तो नहीं वाले, पर अगर ये ख़त्म करके जाते, ये नॉट आउट जाते तो सीन कुछ ज़्यादा मज़ेदार रहता। पर ठीक है कोई बात नहीं, अब इनके साथ हम कुछ रन बनाने की कोशिश करेंगे और बस थोड़े ही रन हमें चाहिए, तो अब यहाँ से तो हम ऑटो प्ले करने नहीं वाले, मतलब एक बॉल हम खेलेंगे और उसके बाद अगले ओवर में इस मैच को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लॉफ्टेड ये शॉट खेला है, टाइमिंग गुड है और बिल्कुल बटोरा है एक चौका, और इस चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 127 रन्स हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर और 3 विकेट जा चुके हैं, पर जैसा कि हमने कहा है कि ये टारगेट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मुश्किल हमें होने वैसे भी नहीं वाली, और 9 रन अभी चाहिए। हम ये कहने वाले थे कि 9 विकेट, पर 9 विकेट नहीं 9 रन चाहिए, और टाइमिंग यहाँ पर लेट है, पर चौका बिल्कुल ऑन टाइम आया है, और इस चौके के साथ अब 5 रन और चाहिए। और अब ये 5 रन बनाने के लिए सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि एक डबल हमने ले लिया और अब 3 रन चाहिए, और क्या इस बॉल पर चौका मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, डबल यहाँ पर लेने की कोशिश, और क्या ट्रिपल मिल सकता है? ट्रिपल के लिए हम भाग सकते थे और स्प्रिंट करना पड़ता, पर इतनी ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि 39 बॉल्स अभी बची हुई हैं, तो इस बॉल पर बिल्कुल एक सिंगल लेंगे। और सामने की तरफ ये लॉफ्टेड शॉट खेला है और ओहो हो, ये हम चाहते थे कि कुछ छक्का या चौका लगाकर, एक बाउंड्री लगाकर मैच को ख़त्म करें, पर वो काम हम कर नहीं पाए। पर ठीक है कोई बात नहीं, 38 बॉल्स पहले इस मैच को हम जीते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी जीत है और उसका श्रेय हम इस बैट्समैन को देना चाहेंगे।